नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। किसान गजेंद्र सिंह की मौत पर संसद में हंगामा। आम आदमी पार्टी की रैली में राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। संसद में भी इस मुद्दे पर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पुलिस गजेंद्र की मौत देखती रही। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसान की खुदकुशी शर्म की बात है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने अपील की कि इस मुद्दे पर राजनीति न करें। किसान की आत्महत्या की समस्या को बहुत पुरानी और व्यापक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की जिंदगी से बड़ी और कोई चीज नहीं है। सरकार सबके सुझावों के साथ इस समस्या का निदान चाहती है, जिससे हम अपने किसानों को न मरने दें। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे देश में पीड़ा है और उसकी अभिव्यक्ति आज सदन में हुई है। मैं भी इस पीड़ा में सहभागी हूं। दूसरी ओर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान की मौत के मामले की जांच शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी के साथ एक बैठक की। सिंह ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके जांच पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि यह संवेदनशील मामला है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए कि ऐसी घटना फिर नहीं हो। गजेंद्र सिंह हमारा कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा। आम आदमी पार्टी ने आत्महत्या करने वाले किसान गजेंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है। आपका कहना है कि गजेंद्र ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उधर पुलिस ने आप पर गजेंद्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। नाराज लोकसभा अध्यक्ष बोली, किसान की मौत पर सब राजनीति कर रहे हैं। सदन में किसान की खुदकुशी मामले में विपक्ष के हंगामे से नाराज लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी को किसानों के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, सभी अपनी राजनीति कर रहे हैं। महाजन ने कुछ सदस्यों की ओर से प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए दिए गए नोटिस को अस्वीकार करते हुए 12 बजे इस विषय पर चर्चा कराने और फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बात रखने की व्यवस्था दी। हालांकि विपक्षी सदस्य प्रश्नकाल स्थगित करके तत्काल चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहे। वाम दलों ने सदन से वॉकआउट किया, जबकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जदयू, सपा, राकापा सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। महाजन ने कहा कि यह गंभीर मामला है, कृपया इसका राजनीतिकरण नहीं करें। मुफ्ती सरकार ने अलगाववादी मसरत आलम पर कसा शिकंजा। अलगाववादी नेता मसरत आलम पर शिकंजा कसते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उसके खिलाफ कठोर जन सुरक्षा कानून लागू किया है और उसे घाटी से जम्मू की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया है। पीएसए के तहत किसी व्यक्ति को सुनवाई के बिना अधिकतम 6 माह तक जेल में बंद रखा जा सकता है। मसरत को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट के नेता सैयद अली शाह गिलानी द्वारा आयोजित एक रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने और पाकिस्तानी झंडा लहराने के बाद देशद्रोह और राजद्रोह के आरोप में 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।